तो फाइनली हमारी मांगा चैप्टर 237 इज हेयर। इसके अंदर हमें क्या नहीं देखने को मिलता, जीसू काइसन फैन के लिए ये चैप्टर वरदान है। इसके अंदर हमारा पूरा सुकुना का पूरा हमें फॉर्म देखने को मिलता है, वो चार हाथों वाला, चार आंखों वाला। That is the insane। मैं ये सोच रहा हूँ जब ये मांगा एनिमेशन में अडॉप्ट होगा तो क्या ही हमें देखने को मिलेगा। एक फाड़ू सी स्टोरी लाइन, एक फाड़ू सा एक्शन, एक फाड़ू विलन का इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ यही एक एनिमे होगा जो जाके पूरा इंटरनेट ब्रेक करेगा। इसके अंदर सिर्फ हमें यही चीज देखने को नहीं मिली, इसके अंदर हमें बहुत लिटरली बहुत कुछ देखने को मिला है। हाजिमे की फाइट सुकुना के साथ, सुकुना का वो गुस्सा जो उसको आया था, फिर उसके बाद में उसने अपना ट्रू फॉर्म अवे कर लिया। उसके बाद गोजो के भी कुछ अपडेट्स देखने को मिले हैं जिससे आप खुश हो जाओगे, पर मैं सारा अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बस फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, छोटी रखेंगे, मजा करेंगे इस वीडियो के अंदर, बस फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये मांगा भी उद्देश्य स्टार्ट होते हैं जहां पे हमारी मांगा 236 खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है गोल्ड ऑफ लाइटनिंग AKA हाजिमे इस फाइट के अंदर एंटर करती है, और वैसे हमें ये मांगा स्टार्ट होने को मिलता है, भाग भाग के जाती है कि सुकुना मैं तेरी माँ बहन एक कर दूंगा। और फिर जैसे हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर नजर जाती है, एक बड़ा सा पत्थर हमें देखने को मिलता है, उस बड़े से पत्थर में यूरामी बैठ के इस फाइट का लुभ उठा रही थी। और जैसे हमारे हीरोज की नजर जाती है, अरे यहाँ पे तो उरामी बैठी है, तो फटाफट हकारी भाग भाग के जाता है उसके पास, और फिर हकारी वर्सेस उरामी हमें उस पत्थर जो फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर देखने को मिल रही है। बाकी नीचे ग्राउंड में हाजिमे और सुकुना की फाइट बिगन होने वाली है। फिर हकारी और युमायमी के बीच में बात होती है कि भाई युमायमी बोलती है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, तुम क्यों मेरे मत्थे कर रहे हो, मैं बस यहाँ पे फाइट एंजॉय करने आ रही हूँ, पॉपकॉर्न लेके बैठ रखी हूँ, तो मेरे को खाने दे। तो हकारी बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कुछ हाथ में नहीं है, तूने तेरे को मैंने देखी, तू विलन है, मैं तेरे से फाइट करेगा। हकारी युमायमी को अपने डोमेन में फंसा लेता फटाफट। हमें देखने को मिलता है वेदर थोड़ा बहुत चेंज हो गया था, जहाँ पे पहले स्नो पड़ रही थी अब थोड़ी सी बारिश रिमझिम रिमझिम बारिश बरस रही है, इट मीन्स ये फेवर में जाएगा हमारा, गेस करो, हाजिमे के। तो नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है सुकुना एक डमरू जैसा लेके खड़ा हुआ था, तो उस डमरू का नाम है केमेटू के, ये बेसिकली ये कर्स टूल है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट करा था योरोजू ने। इस टूल के पीछे बहुत ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी लाइन है, और मतलब इसका क्या रीजन था कि उसने गिफ्ट करा था, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। इसके अंदर हम बेसिकली इस चैप्टर को फटाफट समझते हैं, पर उससे पहले हमें बताया गया था कि इसको योरोजू ने बनाया था अपनी फाइनल बैटल से पहले सुकुना के लिए। फिर सुकुना इस टूल की अपनी पावर को यूज करता है एक ब्लास्ट करके जमीन के अंदर, फिर बताता है सुकुना हाँ जो ये टूल है इससे मेरी मेमोरी थोड़ी पास में चली गई है, जहाँ पे उसने जो भी इवेंट थे वो दोबारा से थोड़े से अपने दिमाग में रिकैप करे हैं। फिर हमें देखने को मिलता है जो बारिश हो रही थी बेसिकली वो बारिश सुकुना ही करवा रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है जहाँ पे उसके सामने हाजिमे खड़ा है। जब हाजिमे ने जो सुकुना का वो अटैक देखा था, वो पावर देखी थी, तो सीधा बोला था क्या सही में तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बने हो या तुम स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा ही हुए थे। फिर सुकुना बताता है कि मुझे क्या पता, बस मैं ये कह सकता हूँ जो मेरे बचपन था वो बिल्कुल अच्छे से नहीं गया था, वो एज अ ट्रॉमा था फॉर मी, उसकी वजह से ही जो मैं आज हूँ वो हूँ। फिर नेक्स्ट पल हाजिमे बोलती है जो तुम्हारे पावर है इससे तुम लोगों से कनेक्ट कैसे कर पाते हो, तुम तो स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वीक से कनेक्ट नहीं कर पाते, और ये सब चीज़ें जो मैं नहीं समझ पाऊंगी, हाजिमे का कहना था। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है एक झलक बूढ़े आदमी की, वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं हाजिमे का पास था, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा इस थंबनेल के साथ, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। फिर नेक्स्ट बार हमें देखने को मिलता है हाजिमे अपना बेस्ट देके जाती है सुकुना को मारने इतनी स्पीड में, और सुकुना उसके सारे अटैक को डोज करके इतने गंदे हालत में होने के बाद भी सुकुना हाजिमे को ऐसे मतलब ऐसे ट्रीट कर रहा है फाइटिंग के अंदर जैसे कि वो अपने भी बेस्ट पे भी नहीं पहुंचा है, और वही हमें आगे देखने को मिलेगा। फिर हाजिमे वहाँ पे अपनी कर्स टेक्निक रिलीज करती है मैथिक बीस्ट एम्बर। फिर उसके बाद हाजिमे का हमें न्यू मोड देखने को मिलता है जहाँ पे वो बीस्ट मोड पे चली गई है, जहाँ पे उसका फेस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, जो भी उसकी फाइटिंग कॉम्बैट स्किल है वो भी एनहेंस होने के बाद सुकुना पे वो ब्लो आराम से मार पा रही थी इस टेक्निक के बाद, जो देखने में थोड़ा अजीब है, उसका जो फेस है वो थोड़ा अलग ही है ज़्यादा। और जो बीस्ट टेक्निक है पूरा इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ है, मतलब जो भी उसकी बॉडी के आसपास जो उसके पास स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो सारा बिजली है, तो इट मीन्स अगर सुकुना को वो छू भी देती है तो उस पर इम्पैक्ट होना हो, वो बिजली से झटके से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ले सकता है। फिर उसके बाद हमारा सुकुना थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था और फाइटिंग में टिक नहीं पा रहा था, तो उसने क्या करा,
सीधा अपनी को भी बूस्ट करा, जैसे हाजी मैंने अपने आप को बूस्ट करा था कर्ष टेक्निक से, वैसे ही सुकना ने अपने आप को भी बूस्ट करा, जहाँ पे उसका एक नेक्स्ट फॉर्म देखने को मिल रहा है और वो उसका नेक्स्ट फॉर्म फाइनल फॉर्म है जहाँ पे वो अपने मैक्स पे है। इवन उसने इस फॉर्म में गोजो से भी फाइट नहीं करी थी, गोजो को अपने नॉर्मल फॉर्म में हराया था। इस फॉर्म में आने के बाद क्या हाजी में टिक पाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज इस फॉर्म में सुकना को हराना, इवन मैं बता रहा हूँ किंग ऑफ कर्सेस को हराना, समथिंग लाइक यू कांट इमेजिन, मतलब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हाजी में सामने खड़ी भी हो पाएगी। इस फॉर्म के अंदर हमें टोटल सुकना के चार हाथ देखने को मिलते हैं, चार आंखें देखने को मिलती हैं, और उसकी जो पावर है वो भी बहुत बड़ी लेवल पर इन्हेंस होती है, जहाँ पर उसके कर्स टेक्निक का कोई जवाब नहीं। और जो किंग ऑफ कर्सेस का टाइटल मिला था ना, बेसिकली सुकना को इस मोड पे मिला था कि इस मोड पे जाने के बाद कोई ऐसा बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता जो सुकना की गेंद फाड़ सके। तो मेरे ख्याल से सुकना को हराना इस फॉर्म में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हमें जो चैप्टर 238 में देखने को मिलेगा, गोजो विल अराइव बूस्ट एनहेंस, जैसे हमें सीजन 2 में देखने को मिला था जब वो टोजी से फाइट कर रहा होता है, तब वहाँ पे वो मर जाता है, फिर उसके बाद वो देखने को मिलता है वो दोबारा एनहेंस होके मोर पावरफुल बन के वो आता है टोजी को मारने। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो मर तो गया है फिर दोबारा रीजनरेट होगा और फिर वो सुकना की बैंड बजाएगा और मैगोमी को सुकना से आज़ाद करेगा और दोबारा उसको यूजी की बॉडी में डालेगा। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हमें आने वाले एक दो चैप्टर में देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़े हिंट्स या लीक्स बता रहा हूँ जो निकल रहे थे, तो वो मैंने आपको सामने क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो को छोटी सी कंप्लीट करते हैं, ये रखते हैं, मैंने सोचा कि फटाफट आया मैं आपको अपडेट कर दूँ इसके अंदर क्या हो रहा है मांगा के अंदर। बाकी एक प्रॉपर डब के अंदर एक अलग से आपको मांगा एपिसोड देखने को मिल जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ। टेक केयर।